हेलो बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर टू। जो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर टू है वो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया था, इसके सारे फॉर्मूले भी याद करने होते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब तक सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मैं 100 बार कह चुका हूँ, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसे बच्चों सब, तुम लोग सबसे पहले तो ये बताओ, और सारे न्यूमेरिकल सारे टॉपिक जो भी हम लोग करते चल रहे हैं सारे वीडियोज में, वो देखते चलो, डेली का डेली, छोड़ना नहीं है उसमें से कुछ भी। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी चैप्टर टू, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज क्यू वन है, एक चार्ज क्यू टू है। जो क्यू वन चार्ज है उसकी वैल्यू 5×10⁻¹ कूलम है। जो क्यू टू चार्ज है उसकी वैल्यू −3×10⁻¹ कूलम है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो तुमसे पूछ रहा है, बताओ इन दोनों चार्जेस की वजह से इनके कितनी दूर पोटेंशियल जीरो होगा, कोई दो केस बताओ। तो एक बार तो मैंने ये केस ले लिया कि इन दोनों की वजह से बीच में कोई पॉइंट ले लिया एम, तो वहां पर पोटेंशियल जीरो निकाला, उसकी दूरी निकाली। दूसरा केस क्या लिया, सेकंड केस, इन दोनों चार्जेस की वजह से मैंने कोई पॉइंट बाहर ले लिया है, पॉइंट को बाहर मान लिया, तो इन दोनों की वजह से वहां पे पोटेंशियल मैंने जीरो निकाला। तो मुझे ये दो ही पता करनी है कि कहां कहां किस किस पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो होगा। देखो, मैंने जब ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, तो ए से लेकर एम तक को मैंने एक्स माना, तो बताओ यहां से यहां तक कितना हुआ, 16 माइनस एक्स, पूरे में से x माइनस, तो 16 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिखा, तो 0.16 माइनस x, ठीक है। अब सोचो, मैं सबसे पहले m पॉइंट पर पोटेंशियल देखूंगा a की वजह से, तो लिखा पोटेंशियल एट m ड्यू टू q1, इसकी वजह से q1 की पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद ही होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन दूरी, पावर ओवर कुछ नहीं होती यहां। पोटेंशियल की एक खासियत और होती है इसमें कि जो साइन जैसा होता है वैसा ही साइन लेते हैं, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस लेते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लिया जाता, सिंबल के साथ दिया जाता है इसका। तो v1 1/4πε0 q1/r, m पॉइंट पर v की वजह से 1/4πε0 q2/r, r कितना 0.16 माइनस x, माइनस के साथ ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। टोटल पोटेंशियल एट m इज 0, तो दोनों का सम जीरो कर दो, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, इसको जीरो रख दिया। जब इन सबको सॉल्व किया तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो में चला गया, तो ये बचा q1 और q2 की वैल्यू रख दी, ये रही 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमीटर, सही है। अब देखो तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0.1 मीटर पर या 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। एक केस। दूसरा देखो, मैंने इसी एंड पॉइंट को बाहर ले लिया, जब एंड पॉइंट को बाहर ले लिया तो Q1 से लेकर M तक की दूरी इस बार x हो गई। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, Q1 से Q2 तक कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। अब मैंने M बाहर ले लिया तो Q1 से M तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, x। तो Q2 से M तक की डिस्टेंस क्या होगी, बताओ बताओ। खाली पैर को मुंह में डाल के बैठे पड़े हो सब घर पे अपने, पैर को निकालो मुंह में से, चबा जाओगे सब। Q2 से M तक की डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस 0.16, क्योंकि ये पूरा x हो गया ना, तो ये 16 का, तो यहां से यहां तक कितना होगा, x माइनस 0.16। सेम प्रोसेस Q1 की वजह से यहां पर, Q2 की वजह से यहां पर पोटेंशियल, ये रहा दोनों का सब जीरो, दोनों की वजह से निकाल दिया। सॉल्व करके कितना है, x इक्वल टू 0.40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, 0.40 मीटर या 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक बाहर ज्यादा ही तो होगा, 47 हो रहा है। क्लियर, तो दो तरीके समझ में आ गए। कोई दो चार्ज दिए हो तो पोटेंशियल हम दो जगह जीरो निकाल सकते हैं बच्चों, एक अंदर और एक बाहर। क्लियर होने के बाद अब दिमाग में आती है, इस नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर भी तो हो सकता था, तो ये अपने आप करोगे कि उधर पोटेंशियल अगर हमें जीरो निकालना है तो कहां पर पोटेंशियल जीरो आ सकता है, एक बार करके देखना अपने आप क्या आता है। चलो सेकेंड केस में क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन होने का सिर्फ एक मतलब होता है, हेक्सागन ऐसी चीज होती है जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं,
और रेगुलर हेक्सागन होने का मतलब ये होता है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं। सारी साइड्स बराबर होंगी, एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर की तो सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर की। और रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, इनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है इसके एक कॉर्नर पर, एक क्या, सारे कॉर्नर पर 5 माइक्रो कूलम के चार्ज रख दिए हैं। 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, 5, 5, 5, 5, हर कॉर्नर पर 5 माइक्रो कूलम के चार्ज रख दिए हैं। तो पूछता है सारे चार्जेस की वजह से सेंटर पर टोटल पोटेंशियल बताओ। सारे चार्जेस की वजह से सेंटर पर टोटल पोटेंशियल बताओ। यार देखो ना, कॉर्नर से सेंटर तक की दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जब ये साइड 10 तो ये भी 10, ये साइड 10 तो ये भी 10। तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 कॉर्नर हैं, 6 जगह चार्ज है। तो मैंने वही किया, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन भी इक्वल टू 6 इनटू बी है, ए की वजह से निकाल कर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बी इक्वल टू 6। और ए की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, आर कितना 10 सेंटीमीटर, क्यू कितना 5 माइक्रो कूलम, 1/4πε0 कितना 9×10⁻¹, लो 9×10⁻¹, क्यू की वैल्यू 5×10⁻⁶ माइक्रो कूलम है ना, तो 10⁻¹ हो जाएगा। दूरी कितनी 10⁻², सॉल्व किया तो आंसर आया 2.7×10⁶ वोल्ट। क्लियर होगी बात, तो ये दो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की तरफ क्वेश्चंस को बढ़ते जाएंगे, आप साथ के साथ इन सब क्वेश्चंस को करते चलें और इसके प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चंस और भी अपनी तरफ से करते चलें, बहुत जरूरी है सीखते समय। आई बात समझ में, इसलिए आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, कॉपी में छापो फटाफट और आगे की तरफ बढ़ चलो। ठीक है, हम आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।